एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9, द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर आर लाइक दिस। ये पी है, पी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2, 1, क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 3 और आर के हैं 4, 5। फाइंड इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर, थ्रू द वर्टेक्स आर, इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। क्या होगा कि अगर मैं पी से मीडियन ड्रॉप करूं तो वह इसके सामने वाली पी के अपोजिट वाली साइड को बाइसेक्ट करेगा मीडियन, मैं आर से ड्रॉप करूं तो वो इसको पी क्यू को बाइसेक्ट करेगा। तो इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर, तो आर से ड्रॉप होने वाला मीडियन ये हो गया, मैंने इसको एस बोल दिया, ठीक है। तो लेट द मीडियन थ्रू आर बी आर एस, जो आर से जो मीडियन हम ड्रॉप कर रहे हैं उसको हमने आर एस मान लिया। तो क्लियरली एस इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस तो पी क्यू का मिड पॉइंट निकाल लीजिए 2 ± 2/2, 2 ± 2/2, 1 + 3/2। तो 2 + -, क्या हो गया माइनस, तो 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 0/2 आ गया ये तो, कॉमा 1 + 3/2 मतलब 4/2, तो 2 × 2 = 4, ये हो गया 0, 2, 0, 2। तो एस के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, 2। अब हमारे पास आर भी है और एस भी है, तो इक्वेशन निकाल लीजिए आर एस की, इसके दोनों के हमारे पास पॉइंट्स दे रखे हैं, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ आर एस यहां पर मेरे पास, इसको मैं बोल दूंगा x1 y1, ये हो गया x1 y1, इसको बोल दो x2 y2, या उल्टा भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। अब y - y1 कितना है, 5, इज इक्वल टू y2 - y1 मतलब 2 - 5 अपॉन x2 - x1 मतलब 0 - 4। 2 - 5 अपॉन 0 - 4 और x - x1 मतलब x - 4। 5 - 5 इज इक्वल टू -3 अपॉन -4, माइनस से माइनस कैंसिल, x - 4, 4 को इधर ले आओ, 4y - 20 इज इक्वल टू 3x - 12, -3x + 4y - 20 + 12 इज इक्वल टू 0, -3x + 4y - 8 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गई आर एस की। आर एस क्या है, मीडियन थ्रू वर्टेक्स आर, इस आर से होने वाला जो गुजरने वाला जो मीडियन है वो आर एस है। तो आर एस जो है वो भी तो एक स्ट्रेट लाइन ही हुई, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यही होती है y - y1 इज इक्वल टू m × x - x1। एम क्या है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। और बताइए बेटा इसमें और कोई डाउट है 7.2 में? चलिए अब अगला जो है वो है जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अगला मैं टॉपिक स्टार्ट करा रहा हूं, ठीक है। कोई भी अगर लगता हो, कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज ट्राई करिएगा, ट्राई करके मेरे से पूछना आप जो भी डाउट आए। जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, नेक्स्ट टॉपिक।
ये होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये जनरल इक्वेशन होती है किसी भी लाइन की, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर भी इसी फॉर्म में लिखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसी फॉर्मेट में हमने लिखा, ठीक। अब हमको, हमने जो अलग अलग तरीके की लाइन्स देखी है, जैसे कि पॉइंट स्लोप फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, ठीक। तो ये जो हमने अलग अलग टाइप की फॉर्म्स देखी हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसी लाइन को, जो यही वाली हमारी जनरल इक्वेशन है, इसी को हम किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें चाहे उसमें कर सकते हैं। तो मैं इसी को कन्वर्ट कर करके दिखाऊंगा, आप लोग थक जाओगे बिना, मतलब बेकार लगेगा, मजा नहीं आएगा उसको देखकर। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन देखकर अपने आप समझ में आ जाएगा कि आगे वाली एक्सरसाइज में ये हमसे क्या चाहते हैं कि हम क्या करें। देखिएगा, मैं एग्जांपल्स देखता हूँ सबसे पहले। मतलब हमें इक्वेशन दे रखी होगी जनरल फॉर्म में, और उसको हमें किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट करके वो वैल्यूज निकालनी होगी जो ये पूछेंगे क्वेश्चन में। अभी तक जो हमने एग्जांपल्स करे उसमें हमको पता रहता था कि भाई स्लोप है और इंटरसेप्ट है हमारे पास, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकाल दो। जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन देखा, तो इसमें दो पॉइंट्स थे, तो मैंने टू पॉइंट फॉर्म लगा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे वो देखिएगा। एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 13 है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज 3x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। गिवन इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या दे रखा है, 3x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। क्या करो, रियल कॉन्स, कहाँ है रियल कांस्टेंट? कांस्टेंट से तो है सारे के सारे, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। रियल का मतलब इसमें कोई आई वाली टर्म नहीं होगी, रियल नंबर होगा, ठीक है। 3x माइनस 4y प्लस 10 क्या प्लस 10 इज इक्वल टू 0, क्या नॉन जीरो? हाँ हाँ, नॉन जीरो, जीरो भी हो सकते हैं, ये जीरो भी हो सकते हैं। हो सकता है किसी इक्वेशन में ए की वैल्यू जीरो हो, तो वहां एक्स कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। देखिए, गिवन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो की फॉर्म में दे रखी है। अब वो बोल रहे हैं फाइंड इट स्लोप, इसका स्लोप निकालना है। सबसे पहले वो पूछ रहे हैं कि इसका स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने के लिए एकदम दिमाग में आता है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में अगर मैं इसको लेकर आ जाऊं, तो वो हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगा। और वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मुझे क्या सजेस्ट करेगा कि एक्स के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है वो क्या होगा, वो स्लोप होगा। तो मैं ये कहूंगा कि इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे कैसे, जैसे ये दे रखा है 3x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, माइनस 4y को इधर ले जाओ, 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 4y, पलट कर लिख दो, 4y इधर और 3x प्लस 10 इधर। अब y इज इक्वल टू mx प्लस c, मैं वो वाली इक्वेशन बनाना चाहता हूं, तो मुझे जो y है वो अकेला चाहिए, ये जो y के साथ टर्म मल्टीप्लाई हो रही है ना 4, ये यहां डिनोमिनेटर में चली जाएगी। कैसे, y इज इक्वल टू 3x प्लस 10 अपॉन 4, 3x प्लस 10 अपॉन 4 ये हो गया। अब इनको आप सेपरेट कर दीजिए ऐसे, y इज इक्वल टू 3 बाई 4 इंटू एक्स प्लस 10 बाई 4। अब इसको कंपेयर करिए, कंपेयर इट विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो m क्या है यहाँ पर, जो x के साथ, y अकेला होना चाहिए, जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो m है, और m क्या होता है, स्लोप, ठीक है। तो m इज इक्वल टू 3 बाई 4, तो ये हमारा स्लोप हो गया, बताइए क्लियर है। तो जनरल फॉर्म में हमको इक्वेशन दे रखी होगी, हमसे जो चीज पूछी जाएगी हम उसी फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक। अगला देखिएगा, सेकेंड पार्ट ये पूछ रहे हैं x एंड y इंटरसेप्ट्स, ये पूछ रहे हैं x और y इंटरसेप्ट्स क्या होंगे। तो x और y इंटरसेप्ट कहां पर निकाल पाते थे हम, इंटरसेप्ट फॉर्म में,
इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन। ठीक है, चलो जी देखते हैं। सेकंड में वो पूछ रहे हैं एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स, तो दिमाग में ये रखना कि मुझे ये जो इक्वेशन दे रखी है, मुझे इसको एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन की फॉर्म में लेकर आना है। कैसे लेकर आएंगे, थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस टेन इज इक्वल टू जीरो, प्लस टेन को उधर ले जाओ, थ्री एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू टेन हो गया। अब इस टेन को नीचे ले आओ, माइनस टेन सो थ्री एक्स माइनस फोर वाई अपॉन माइनस टेन इज इक्वल टू वन। जब मैं इसको नीचे लेकर आ गया तो यहां तो वन बचा, ठीक है। अब इनको स्प्लिट करो, थ्री एक्स अपॉन माइनस टेन प्लस माइनस फोर वाई अपॉन माइनस टेन इज इक्वल टू वन। अब क्या करो, ये जो x के साथ टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, मैं ये जानता हूं कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इस थ्री को मैं ऐसे लिखूंगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x अपॉन माइनस टेन अपॉन थ्री, फिर सिर्फ y छोड़ दो यहां पर, y अपॉन माइनस फोर को माइनस टेन के नीचे ले आओ, माइनस टेन अपॉन माइनस फोर, माइनस से माइनस कट गया इज इक्वल टू वन। समझ गए कि नहीं, नहीं समझे। हम ये जानते हैं कि अगर कभी भी मेरे पास मान लो ऐसे है कि x अपॉन थ्री अपॉन फोर लिखा हुआ है, तो ऊपर एक टर्म है x और नीचे एक टर्म जो है उसमें ये जो डिनोमिनेटर है थ्री, इसका भी एक डिनोमिनेटर है, तो ये ना न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ पर आकर, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, फोर एक्स अपॉन थ्री। तो इसी तरीके से इसका उल्टा काम भी तो कर सकते हैं कि अगर थ्री एक्स अपॉन टेन लिखा हुआ है, माइनस टेन लिखा हुआ है, तो न्यूमरेटर जो है उसको मैं डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बना सकता हूँ। मैंने क्या करा, जो थ्री यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था इसको मैं माइनस टेन के नीचे ले आया, जो माइनस फोर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था उसको मैं माइनस टेन के नीचे ले आया, तो ये क्या बन गया, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन। तो ये हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई ना। तो वो हमसे एक्स और वाई इंटरसेप्ट पूछ रहे थे, तो जो हमको जनरल इक्वेशन दे रखी हो उसको आप इंटरसेप्ट फॉर्म वाली इक्वेशन में लेकर आ जाओ, हो जाएगा अपने आप। समझ गए कि नहीं, क्लियर है। तो अब आप ये देखिएगा, मैं क्या करूंगा, इसको कंपेयर इट विद एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन। तो ए हमारा है एक्स इंटरसेप्ट और बी है वाई इंटरसेप्ट, तो ए इज इक्वल टू माइनस टेन अपॉन थ्री एंड बी इज इक्वल टू टेन अपॉन फोर, फाइव बाई टू भी लिख सकते हो इसको, टेन अपॉन फोर को फाइव बाई टू भी लिख सकते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, शिवांश क्लियर है? यस सर। समझ गए भाई, बाकी बच्चे बताएं, हर्षिता? यस सर। दीपांशी, देवशी? यस सर। शुभांगी, दिवस? सर। चलिए मैं अगला करता हूँ क्वेश्चन, जो है नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 14 है, रिड्यूस द इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म। Reduce the equation into normal form. Equation क्या दे रखी है? रूट थ्री एक्स प्लस वाई माइनस एट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अच्छा, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, नॉर्मल फॉर्म क्या होती है सबसे पहले तो वो देखो, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी,
ये होती है नॉर्मल फॉर्म। अब आप देखिएगा इसको ताकि आप लोगों को याद आ जाए। देखिए नॉर्मल फॉर्म ऐसे थी कि यहाँ पर एक्स एक्सिस, यहाँ पर वाई एक्सिस, और इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। और अब मुझे वैल्यूज क्या दे रखी हैं, एक तो इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दे रखा है, यानी कि एक तो ये पी दे रखा है, और एक ये जो पी है ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाता है, ओमेगा, एक ये ओमेगा दे रखा है। ये दो चीजें हैं, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल फॉर्म होती है ये होती है एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी, ठीक है। तो मुझे इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाना है। अब क्या करूं, जैसे ये रूट थ्री एक्स प्लस वाई है, इसका एक तरीका होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे रूट थ्री एक्स है और प्लस वाई का मतलब क्या हो गया, वन वाई, माइनस एट को उधर ले गए, माइनस एट को उधर ले गए तो प्लस का एट बन गया, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर वन बोल दिया क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में मुझे क्या चाहिए, मुझे एक कॉन्स्टेंट चाहिए राइट हैंड साइड में, तो कॉन्स्टेंट तो मुझे मिल गया एट, ठीक है। और इस तरफ मुझे चाहिए एक्स वाली टर्म एक्स कॉस ओमेगा और वाई वाली टर्म वाई साइन ओमेगा, ये हो गया। अब क्या करेंगे देखिएगा, जो एक्स का कोफिशियंट है ना उसका स्क्वायर कर दो, और जो वाई का कोफिशियंट है उसका स्क्वायर कर दो, और दोनों को ऐड करके उनका रूट निकाल दो। क्या हम क्या करेंगे, रूट थ्री का स्क्वायर कर दिया और वन का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करके ऐड कर दिया और दोनों का स्क्वायर रूट निकाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, थ्री प्लस वन इसका स्क्वायर रूट, रूट फोर, तो ये टू आ गया, ये टू आ गया। तो हमें क्या करना होता है, हमें एक कॉमन वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हम ओमेगा यानी कि हम एंगल निकालना चाहते हैं, तो हमें कॉमन वैल्यू निकालनी है एंगल की। तो उसके लिए आप याद रखिए कि जो भी एक्स का कोफिशियंट है उसका स्क्वायर करो, वाई का जो कोफिशियंट है उसका स्क्वायर करो, दोनों को ऐड कर दो और ऐड करके अंडर रूट ले लो उनका। अंडर रूट लेने के बाद जो वैल्यू आई, क्या वैल्यू आई, टू डिवाइड इक्वेशन वन बाई टू, डिवाइड इक्वेशन वन बाई टू, ये जो टू आया है इससे डिवाइड करिए, तो क्या हो जाएगा, रूट थ्री बाई टू इंटू एक्स, वन बाई टू इंटू वाई इज इक्वल टू एट बाई टू। इसको भी टू से डिवाइड, इसको भी टू से डिवाइड, इसको भी टू से डिवाइड, थ्रू आउट टू से डिवाइड करने का मतलब तो यही है कि सभी टर्म्स को कर दो, एल एच एस आर एच एस सब, ठीक है जी। और ये करते ही अब हमें कुछ रास्ता नजर आ रहा है कि साइन और कॉस की टर्म्स में लिखा जा सकता है, रूट थ्री बाई टू कॉस की टर्म्स में, कॉस में रूट थ्री बाई टू कहाँ आता है, 30 डिग्री, ठीक है। एक्स कॉस 30 डिग्री, और साइन में वन बाई टू कहाँ आता है, 30 डिग्री, तो वाई साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू फोर, हो गई हमारी नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। बस अब सवाल ये उठता है कि इसका स्क्वायर करके दोनों को ऐड करके स्क्वायर रूट क्यों निकाला, वो इस वजह से निकाला कि जब स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो स्क्वायर रूट निकाल के हमारे पास एक ऐसी टर्म बन जाएगी जिसको अगर हम डिवाइड करेंगे, दोनों पूरी की पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास साइन और कॉस की कॉमन वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास एक वैल्यू ऐसी आ जाएगी जिससे हम ये बता सकते हैं कि दोनों का एक कॉमन एंगल होगा, ठीक है। और यहाँ से हम ये देखते हैं कि जैसे रूट थ्री बाई टू हो गया, वन बाई टू हो गया, तो हम ये देखते हैं यहाँ से कि अगर हमारे पास एक्स कॉस 30 डिग्री है और वाई साइन 30 डिग्री है, ठीक है, तो इन दोनों का जो हम स्क्वायर करेंगे ना, ये याद रखना कि इन दोनों का जब स्क्वायर करके ऐड करेंगे वो वन के बराबर आना चाहिए, समझ रहे हैं। अगर वो नहीं आ रहा है तो समझ लेना कुछ गड़बड़ हुई है आपसे। भाई एक्स का कोफिशियंट क्या बना, रूट थ्री बाई टू, वाई का कोफिशियंट क्या बना, वन बाई टू, तो इसका स्क्वायर करो क्या बन जाएगा, थ्री बाई फोर, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, टू का स्क्वायर फोर, तो थ्री बाई फोर बन गया। वन बाई टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन बाई फोर, दोनों को ऐड कर दो, थ्री बाई फोर प्लस वन बाई फोर क्या हो गया, फोर बाई फोर, फोर बाई फोर का मतलब वन, ठीक है, समझ गए। तो ये तरीका है, याद रखना कि जब भी कभी नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मल फॉर्म में थोड़ा सा बस ये आपको ध्यान रखना होगा, बाकी और फॉर्म्स में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे समझ गए, बताइए, यस सर। ठीक है, चलिए जी।
अच्छा मुझे 1 मिनट का टाइम दो, बस अभी आ रहा हूँ मैं, फिर आगे करते हैं कंटिन्यू। लेट क्यों जाते हो रोज? हाँ अपने हुआ कि किसमें कन्वर्ट कर, किसमें कन्वर्ट करके हमारा काम आसान हो जाएगा। जैसे एग्जांपल नंबर 15 की बात करते हैं, एग्जांपल 15 में ये बोल रहे हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। दो लाइंस दे रखी हैं, इन लाइंस के बीच का एंगल निकालना है। तो फर्स्ट लाइन क्या है, वाई माइनस रूट थ्री एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, और सेकेंड लाइन क्या है, रूट थ्री वाई माइनस एक्स प्लस सिक्स, रूट थ्री वाई माइनस एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। ये दो लाइंस दे रखी हैं। अच्छा दो लाइंस के बीच का एंगल मैं कब निकाल सकता हूँ, मुझे क्या चाहिए होता है उसके लिए, मुझे क्या चाहिए होता है उसके लिए, जब दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना होता है। स्लोप स्लोप चाहिए होता है, बिल्कुल सही, स्लोप चाहिए होता है मुझे, दोनों लाइंस का स्लोप चाहिए होता है। तो मैं फर्स्ट लाइन का स्लोप निकालूंगा, सेकंड लाइन का स्लोप निकालूंगा, कैसे, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस वी सी वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर दो दोनों इक्वेशंस को। फर्स्ट इक्वेशन को करो इक्वेशन वन, वाई छोड़ दो बस लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सब राइट हैंड साइड ले जाओ। वाई इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स प्लस फाइव, तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये स्लोप हो गया, तो ये एम वन हो गया रूट थ्री, पहली लाइन का स्लोप हो गया अंडर रूट थ्री, समझ गए होंगे। क्लियर क्या हो गया अर्जुन? अच्छा ले लो फिर, देख रहा हूँ। क्या हो गया अब, सो के आए हो क्या, बालों का क्या हाल बना रखा है? सही है, ईमानदारी तुम्हारी। तो कैसे, मतलब जैसे 5:30 की क्लास होती है तो 5:30 बजे ही उठते होगे, है नहीं, ना? नहीं, नहीं। ट्राई कर दो पहले, तो पर हो नहीं फिर पाता, वो धक्का मार के निकाला जाता होगा, पेरेंट्स भगाते होंगे, चल निकल। कमाल है, डायलॉग कहाँ से लाते हो, ये एकदम जनरेट हो जाते हैं क्या? निकाला नहीं जाता, वसीयत से बेदखल किया जाता है। कैसे 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 निकलते हैं एकदम से ऐसे? हाँ अच्छा, हाँ, रूट थ्री वाई माइनस एक्स प्लस सिक्स। इसी दिन ना फुर्सत में इलाज करूंगा तुम्हारा दोनों का, नहीं सर, इलाज की जरूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए जी, रूट थ्री वाई इज इक्वल टू, अब माइनस एक्स और सिक्स को इधर ले जाओ तो ये हो गया एक्स माइनस सिक्स, अब इसको रूट थ्री को इधर ले जाओ तो वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स माइनस सिक्स अपॉन रूट थ्री। स्प्लिट कर लो, एक्स अपॉन रूट थ्री माइनस सिक्स अपॉन रूट थ्री, तो वाई इज इक्वल टू वन अपॉन रूट थ्री इंटू एक्स और माइनस सिक्स अपॉन रूट थ्री। मुझे इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म बन गई ना, तो इसका मतलब जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो स्लोप है। तो जो सेकेंड लाइन है, सेकेंड लाइन के स्लोप को मैं एम टू बोल दूंगा, एम टू आ गया वन अपॉन रूट थ्री, एम वन आ गया रूट थ्री, एम टू आ गया वन अपॉन रूट थ्री। अब वो पूछ रहे हैं कि इन दो लाइंस के बीच का आपको एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स एम थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एम टू माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन एम टू। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, एम वन माइनस एम टू भी कर सकते हो, न्यूमरेटर में सेम रहेगा क्योंकि मॉड ले रहे हैं ना उसका। ठीक है, तो टेन थीटा
इज इक्वल टू मॉडुलस एम टू माइनस एम वन क्या है, वन अपॉन रूट थ्री माइनस रूट थ्री, ये वाला। हाँ लिखवाया था ना, चलो तुम्हें याद है सब। हाँ वन अपॉन रूट थ्री माइनस रूट थ्री अपॉन वन प्लस वन अपॉन रूट थ्री इंटू रूट थ्री। अच्छा एक बात तो बता दो, सारे बच्चों से पूछ रहा हूँ, भाई तुम्हें मैथ्स में इंटरेस्ट भी आ रहा है या वैसे ही कुछ बर्डन लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है जबरदस्ती रह गई बर्डन? तो फिर अभी नींद में हो ना, समझने की बात। हाँ लग रहा है कुछ बोझ है क्या यार, इस पर भी कुछ नहीं बोल रहे हो। मैं पूछता हूँ क्वेश्चन करे या नहीं करे, उस पर भी कुछ नहीं बोलते, ये ऑनलाइन वाले भी सारे चुप बैठे हैं। अरे नहीं तुम तो, तुम्हारा तो मैंने सुन लिया। क्यों भाई, दीपांशी, देवशी, दिवस, हर्षिता, पार्थ, रोहन, शिवांश, सारे शांत बैठे हुए हो सर, क्या बोलना है? हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ अभी क्या बोलना है। एक सवाल पूछा था उसका जवाब कि ये मैथ्स जो है ये ऐसा तो नहीं लग रहा कि बर्डन पड़ा हुआ है कुछ दिमाग पर, कुछ बोझ है? नहीं सर, इंटरेस्ट आ रहा है तो फिर एक्सरसाइज क्यों नहीं करी कंप्लीट, ये बताओ। मैं रोज कहता रहता हूँ, अब 10.3 आज जबरदस्ती स्टार्ट करा रहा हूँ, 10.2 आप में से आधे बच्चों ने करी नहीं है, फैक्ट है ये। तुम मत देखा करो मुझे, तुमने कर रखी है ठीक है, अभी भी सारे चुप बैठे हुए हैं, एक बच्चे का जवाब आया बाकी किसी का कुछ नहीं। दीपांशी यस सर, मतलब लग रहा है बर्डन? नहीं सर। या पढ़ना शुरू कर दो, ऐसे नहीं हो पाएगा, तुमने तो कर ली, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलो पता नहीं सन्नाटे में बैठे रहते हो सारे के सारे। हाँ अच्छा, पेपर तो इस बेचारे का भी था, इससे पूछो क्या हाल हुआ इसका। वन माइनस रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या हो गया, थ्री, एलसीएम ले रहे हैं, वन माइनस थ्री अपॉन रूट थ्री ठीक है, और इसमें ये रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल आउट हो गया, तो डिनोमिनेटर में क्या बचा, वन प्लस वन, ये मॉड है। अब देखो जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में तो एक रैशनल नंबर बन गया ऐसे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो अपॉन में वन कर दो ऐसे, ठीक है ठीक है। तो टैन थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस वन माइनस थ्री क्या हो गया, माइनस टू अपॉन रूट थ्री अपॉन टू अपॉन वन। इसमें क्या होता है, सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाएगा, बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, तो टेन थीटा सर टू से टू कट नहीं जाएगा, टू से टू कट जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैं एक कॉमन मेथड बता रहा हूं ताकि दिक्कत ना आए ठीक है। देखिए टेन थीटा माइनस टू इंटू वन अपॉन टू अंडर रूट थ्री मॉडुलस, ये टू से टू कट गया, तो माइनस वन अपॉन अंडर रूट थ्री का जब मॉड लेंगे तो वन अपॉन रूट थ्री, थीटा कितना हो गया, टेन थर्टी डिग्री, थीटा की वैल्यू हो गई 30 डिग्री ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, फिर अगला देखेंगे। ठीक है अगला क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 16, शो दैट द टू लाइंस आर पैरेलल इफ a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2 एंड परपेंडिकुलर इफ a1 a2 माइनस b1 b2 इज इक्वल टू 0। एग्जांपल 16 देखेंगे, 16 में है शो दैट द टू लाइंस, तो दो लाइंस जो दे रखी हैं पहले वो लिख लीजिए, फर्स्ट लाइन a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, सेकेंड लाइन है a2x plus b2y c2 is equal to 0। इन्होंने सबसे पहले ये बोला कि ये पैरेलल कब होंगी, अगर a1 upon b1 a2 upon b2 के इक्वल हो जाता है तो ठीक है, तो पैरेलल लाइंस कब होती हैं, कुछ कंडीशन करी थी हमने? हाँ करी नहीं थी बड़े यार, तो बता दो
जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो कोई कंडीशन करी थी हमने भाई, तुम सबके व्रत तो नहीं है आज, कभी भूखे बैठे हुए हो, परेशान हो, पहला नवरात्र है ना इसलिए पूछ रहा हूँ भाई, दो पैरेलल लाइंस की कोई कंडीशन करी थी इस चैप्टर में या नहीं करी थी? स्लोप सेम होता है, स्लोप सेम होते हैं, ठीक है, तो स्लोप निकाल लो दोनों के, दोनों के स्लोप्स को इक्वल रखते हो तो कह देंगे पैरेलल हो जाएगी। पता नहीं सारे थके हुए बैठे हो, मुझे भी थका रहे हो तुम लोग, कुछ बोल नहीं रहे, तुमने तो दो एक्सरसाइज कर रखी है, स्लोप नहीं पता तुम्हें, भूल गया अभी बताया तो। अरे तुमसे नहीं कह रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ, ये यहाँ पर थर्ड एक्सरसाइज के डाउट्स पूछ रहा था, वो कह रहा मैंने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, बताऊंगा अभी, दिखाना लाकर एक्सरसाइज, और क्या, हाँ अच्छा इसी में कर रखी है। चलो देखते हैं, ये है फर्स्ट लाइन जो है इक्वेशन वन, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, बी वन वाई इज इक्वल टू माइनस ए वन एक्स माइनस सी वन। अब इस बी वन को नीचे ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस ए वन अपॉन बी वन इंटू एक्स और माइनस सी वन अपॉन बी वन। तो यहां से मुझे ये समझ में आ गया कि जो पहली वाली लाइन है, मैं इसको वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो पहली वाली लाइन का स्लोप हो गया माइनस ए वन अपॉन बी वन। तो m1 is equal to minus a1 upon b1, ठीक है। अब जरा देखते हैं इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर टू में m2 निकाल लो आप, तो a2x plus b2y plus c2x plus d2y प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो, उसको भी वही y is equal to mx plus c के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो b2y is equal to minus a2x minus c2, y इधर छोड़ो, b2 को डिनोमिनेटर में ले जाओ, माइनस ए टू अपॉन बी टू इंटू एक्स माइनस सी टू अपॉन बी टू, ये हो गया। तो भैया m1 तो ये आ गया था माइनस ए वन अपॉन बी वन, और m2 क्या आ गया माइनस ए टू अपॉन बी टू। अब फर्स्ट पार्ट में ये पूछ रहे हैं कि आपको कंडीशन प्रूव करनी है, a1 upon b1 is equal to a2 upon b2 होगा अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो, ठीक है। तो इसमें हम कहेंगे फॉर टू लाइंस, टू बी पैरेलल m1 is equal to m2, जो स्लोप्स हैं वो इक्वल होते हैं, तो m1 कितना है माइनस a1 upon b1, और m2 कितना है माइनस a2 upon b2, माइनस से माइनस कट गया, ये हो जाएगा ए वन अपॉन बी वन इज इक्वल टू ए टू अपॉन बी टू, ए वन अपॉन बी वन इज इक्वल टू ए टू अपॉन बी टू, ठीक है। उसके बाद सेकंड देखिएगा, सेकेंड में ये बोल रहे हैं कि परपेंडिकुलर, तो फॉर टू लाइंस टू बी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होने के लिए क्या होगा, दोनों स्लोप्स का मल्टीप्लीकेशन माइनस वन के बराबर हो जाएगा, एम वन इंटू एम टू इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। तो एम वन एम टू is equal to minus 1, m1 कितना minus a1 upon b1 multiplied by m2 कितना minus a2 upon b2 is equal to minus 1, ठीक है। और अब क्या होगा, minus minus तो plus हो गया, तो ये हो गया a1 a2 upon b1 b2 is equal to minus 1। अब ये b1 b2 को इधर ले जाओ, तो ए वन ए टू इज इक्वल टू माइनस बी वन बी टू, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ, तो ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू इज इक्वल टू जीरो,
A1 A2 plus B1 B2 is equal to zero, यही प्रूव करना था, ठीक है, ये प्रूव हो गया। अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 17। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन, ठीक है। अब क्या है कि रिक्वायर्ड लाइन, मुझे जिस लाइन की इक्वेशन चाहिए, रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू x -2y -3 = 0, x -2y -3 = 0, जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप निकाल लो पहले, तो 2y = x -3 हो गया, समझ रहे हो, -2y को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 2y हो जाएगा, 2y = x -3 हो गया, ठीक, पूछ रहा हूं, समझ गए, मैं तुम्हें देख ही रहा हूँ, बीच बीच में बड़ी हंसी आ रही है तुम्हें, अच्छा जोक सुनाया फोन करके, बता दो इसको, इसको भी बता दो, इसी पर चलिए जी, ठीक है। तो ये इस लाइन पर, मतलब हमने इसको y = mx + c में कन्वर्ट कर दिया, तो आप मानो कि m1 क्या हो गया, 1/2, जो लाइन मुझे चाहिए उसके स्लोप को मैं m2 मान लेता हूं, लेट द स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन बी m2। अब क्योंकि जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो m1 × m2 = -1, m1 कितना है, 1/2 × m2 = -1, इसको इधर ले जाओ, तो m2 की वैल्यू हो गई -2, ठीक है, m2 की वैल्यू -2 हो गई, तो मेरे पास स्लोप आ गया रिक्वायर्ड लाइन का, और ये दे रखा है कि रिक्वायर्ड लाइन इज पासिंग थ्रू 1, -2, तो ये तो हो गया स्लोप, और एक पॉइंट क्या दे रखा है, 1, -2, देयरफोर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन y - y1 = m × x - x1, ठीक है, y - y1 कितना है, -2, और m मतलब ये m2, ये कितना है, -2, इंटू x - x1 कितना है, 1, y - -2 का मतलब हो गया y+2, -2x - -2 +2 कैंसिल आउट हो गया, -2x को इधर ले आओ, 2x + y = 0, ये रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन है, या y = -2x बोल दो सिंपल, ठीक है जी, इतना कर लीजिए। बाकी 10.3 के शुरुआत के 5 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, बस सिर्फ 5 क्वेश्चन, वो 5 क्वेश्चन ट्राई करिएगा, आराम से हो जाने चाहिए, कोई मुश्किल नहीं है, करना भाई सीरियसली, मुझे बोलना ना पड़े बार बार, चलिए जी, ठीक है।